सोहेल गाइस, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे 3.0 यानी कि रोबोट 3 के बारे में। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पहला पार्ट जब रोबोट का आया था बहुत ही ज़्यादा सराहना उस मूवी को मिली थी। एंड गाइस, ऑडियंस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार इस मूवी के सेकंड पार्ट का रहा। एंड गाइस, फिर इस मूवी का सेकंड पार्ट आया। एंड गाइस, अक्षय कुमार ने भी धमाकेदार इस मूवी में विलन का किरदार निभाया। एंड गाइस, रजनीकांत के सामने पूरी तरह से कैसे वो आए। जी हाँ, तो फुल ऑन फायर तरीके से उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। एंड गाइस, अब बारी है 3.0 यानी कि रोबोट 3 की। जी हाँ, तो इस मूवी के रोबोट 3 की बात करते हुए मैं बताऊंगा कि ये मूवी हमें किस दिन प्लॉट पर जाती हुई नजर आएगी। एंड गाइस, ये मूवी हमें किस दिन देखने को मिल सकती है। जी हाँ, तो आप लोगों को मालूम है कि बिग बजट मूवी है 3.0 यानी कि इस मूवी के स्क्रिप्ट पर काम चलता हुआ नजर आ रहा है। एंड गाइज, पूरी तरह से इस मूवी को जो डायरेक्ट करेंगे एस शंकर है, जिसने दोनों पहले पार्ट डायरेक्ट किए थे। जी हाँ, तो ईद की बार की जो कहानी होगी बहुत ही फायर तरीके से साइंस फ्रिक्शन और एक्शन से भरपूर होगी। एंड गाइज, अब की बार इस मूवी में हमें रजनीकांत के अलावा जी हाँ तो बॉलीवुड से कोई ना कोई अन्य सुपरस्टार देखने को मिलेगा। अभी तक इस मूवी का खुलासा नहीं हुआ कि सुपरस्टार कौन होगा कौन नहीं होगा। लेकिन गाइज, इस मूवी की अगर हम बात करते हो शूटिंग शेड्यूल की, तो गाइज अगले साल से की शुरुआत से इस मूवी की शूटिंग शेड्यूल पूरी तरह से फिल्माया जाएगा। एंड गाइज, ये मूवी हमें अगले साल ही लगभग क्रिसमस के मौके पर देखने को मिल सकती है। जी हाँ, तो यानी कि 2025 के क्रिसमस पर हमें 3.0 देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ ऑडियंस का दिल एंड राज करने आ सकती है। जी हाँ, तो देखना दिलचस्प होगा। अब ये मूवी थर्ड पार्ट में आएगी तो क्या 1000 करोड़ छापने में कामयाब होगी या फिर नहीं, क्योंकि गाइज सेकंड पार्ट जब आया था लगभग 850 करोड़ उस मूवी ने कमाए थे। एंड गाइज, अब तीसरी पार्ट आएगा तो इस देखना दिलचस्प होगा अब ये मूवी कितना कमाएगी कितना नहीं कमाएगी। कमेंट सेक्शन में जुड़ता है दोस्तों, जब ये मूवी बॉक्स पर आएगी तो क्या धमाल बता पाएगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जुड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो बाबा धन्यवाद, थैंक यू।